नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। कर्क राशि अक्टूबर 2021 क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे, क्योंकि इन महीनों में कुछ विशेष तारीखों में आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। क्यों? कारण है क्योंकि ईश्वर आपको वो पांच शुभ संकेत दे रहा है, जिन शुभ संकेतों पर चलकर आप अपनी मंजिल को जल्दी पा सकते हैं, शीघ्र पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सफलता के ये पांच संकेत कर्क राशि वालों के जीवन में एक नया दिन, एक नया अवसर, एक नया मौका, एक नई जिंदगी लेकर आ सकते हैं। कुछ तो ऐसे काम बन जाएंगे जिनकी कल्पना भी आपने ना की हो, कुछ ऐसा होगा जो सोचा भी ना हो। भगवान शिव, भगवान श्री राम की कृपा से आपके काम बनेंगे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा। और ये अक्टूबर का माह, जैसे भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही आप अपनी सभी परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे और सुखी हो जाएंगे और आनंद का जीवन बिताएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, शानदार जाने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपको पहला शुभ संकेत कब और कैसे मिलेगा। इन संकेतों के पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, और भगवान श्री राम का आशीर्वाद जिसके ऊपर बरसे उसको कोई रावण परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और आप भी अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे, ये गारंटी है। तो पहला शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा जब पराक्रम भाव में सूर्य मंगल की युति होगी। पराक्रम भाव में बनेगा साहस योग, पराक्रम योग। 1 से 17 तक पराक्रम भाव में जब ऐसे दो ग्रह, मजबूत ग्रह बैठे हों, राजा और सेनापति बैठे हों, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। साहसी होंगे, शूरवीर होंगे, धैर्यवान होंगे, साहसी योद्धा होंगे, हर परेशानी हर मुसीबत से लड़कर अपनी शानदार जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे, जीत हासिल करेंगे। नाकामयाबी अब आपके इर्द गिर्द भी नहीं होगी। मुसीबतों से लड़ना और शानदार जीत पाना आपकी आदतों में शुमार हो जाएगा। बुद्धिमान होंगे, ताकतवर होंगे, कुछ पाने के लिए कुछ कर गुजरने का आपके अंदर एक साहस देखने को मिलेगा। आपके बाहुबल से, आपके ऐश्वर्य बल से आप दुनिया को जीत लेंगे, बुद्धि बल से सबको कायल कर देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि आप हर मुसीबत को रौंदते हुए चले जाएंगे और खुशियों को पाते चले जाएंगे। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। राजनीति में जाना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है, ये समय हर मामले में बेहतरीन है। नौकरी के लिए अपने बॉस से बात करिए और आपकी पदोन्नति हो जाएगी, मनचाहा ऑफिस मिल जाएगा, मनचाहा ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दे दीजिए इंटरव्यू, आपको मनचाही सफलता मिलने के पूर्ण पूर्ण योग बन रहे हैं। आपके बाहुबल में कोई कमी नहीं होगी, आप जहां खड़े होंगे लोग आपकी बात सुनेंगे, यानी कि आप अपनी बातों से, अपने काम से, अपनी काबिलियत से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने वाले इंसान होंगे। ये कर्म का वक्त है, कर्म करिए और आपका साहस आपको अच्छे रिजल्ट दिला देगा। अब रुकने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, शत्रु को तो भूल जाइए, मुसीबतों को तो भूल जाइए, क्योंकि साहस के आगे कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती। और मंगल और सूर्य जहां पर हो वहां पर छोटी मोटी क्या बड़ी से बड़ी परेशानियां अपने आप गायब हो जाती हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। और ये जो योग बन रहा है, साहस योग, और ये जो संकेत है ये शानदार नहीं, महाशानदार है। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। दूसरा महाशुभ संकेत आपको जो देने वाले हैं वो देने वाले हैं बुध और सूर्य की युति से, यानी 2 और 17 तारीख के मध्य पराक्रम भाव में आपकी बुद्धिमानी का जलवा देखकर लोग घायल हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे। आप एक बुद्धिमान नहीं, महाबुद्धिमान व्यक्ति होंगे, धैर्यवान होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे। सरकारी व गैर सरकारी पदों पर अच्छी जबरदस्त पकड़ आपकी मजबूत होगी। सरकारी नौकरी की तलाश पूरी होगी, नौकरी में आ रही तकलीफें दूर होंगी, आप हर चीज को आसानी से पालेंगे, आपके पास अच्छा आइडिया होगा, अच्छा दिमाग होगा, आप काम का विस्तार करेंगे, नौकरी व्यापार को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। 1 से 2 होगा और आपके ऊपर आपके साथ काम करने वाले बड़े सीनियरों का सपोर्ट होगा।
सरकारी गैर सरकारी टेंडर भरते हैं, कोई काम करते हैं तो लाभ ही लाभ होगा, जबरदस्त तरीके से लाभ होने की संभावनाएं हैं, तकलीफें अब कम होती चली जाएंगी, आपका दिमाग तेज नहीं होगा, बहुत तेज होगा, आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई कैसा भी क्यों ना हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, इंसान कैसा भी क्यों ना हो, आप हर चीज पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि आपके पास बुद्धि होगी। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, आप उनको संवारने का दम खम रखते हैं और जीत हासिल करने की आपके अंदर जो जज्बा है, जो ताकत है, उसमें विजयी होंगे आप। आप जो चाहेंगे उसे वक्त से कर लेंगे, यारी दोस्ती काम आएगी, धनवान होंगे क्योंकि आपको धन कमाना आता होगा, धन कमाने की इच्छा होगी, महत्वाकांक्षी होंगे, बुद्धिमान होंगे और आप अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का दम रखते होंगे, धैर्यवान होंगे, सोए हुए भाग्य को जगाएंगे, काम बनते चले जाएंगे, निरोगी होंगे, अच्छी भाषा होगी, खुद का ख्याल रखेंगे और खुद कैसे सफलता पानी इस बात का भी आपको ख्याल होगा, सुखी होंगे, वक्त के साथ बढ़ते चले जाएंगे आपके कदम। वक्त आपको जो देना चाहता है वो तो आप लेंगे ही, और जो वक्त नहीं देना चाहता है वो भी आप वक्त से छीन कर महासफल बन जाएंगे। तो सफलता तो इस संकेत में तय है, यानी कि अब ये सफलता आपको मिलनी तय है 100%। आपको तीसरा शुभ संकेत जो प्राप्त होगा, जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे, आपके लिए यह वक्त बहुत ही मजेदार रहने वाला है। जो भी लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बढ़िया वक्त बीतने वाला है, तरक्की का वक्त है, सैलरी बढ़ने के योग हैं, व्यापार में जबरदस्त लाभ होने के योग है, टीवी मीडिया फैशन की दुनिया में छाने के योग है, शानदार काम होगा, देश विदेश से सफलता मिलेगी, घर परिवार अच्छा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चलेगी, पति पत्नी का साथ होगा, प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, रिश्ते मिल सकते हैं, दिल फिर से जुड़ सकते हैं, कुंवारे हैं तो जल्दी से शादी की बात आगे बढ़ सकती है, भाग्य का साथ होगा, संतान का सुख चाहिए तो वो मिलेगा, संतान की किसी बात से लेकर चिंतित है तो वो समस्या दूर हो जाएगी, संतान की तरक्की हो जाएगी। तो आपको अब ऊंचाइयों और बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, 100% पूरी होने वाली है। ये संकेत आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आएंगे, धन दौलत की कमी नहीं होगी, खुशियों की कमी नहीं होगी, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनकी सेहत बढ़िया होगी, दुनिया में आप चार चांद लगाने वाले हैं, दुनिया में आप सब कुछ जीत लेने वाले हैं, चकाचौंध के मालिक होंगे, लग्जरी के मालिक होंगे, गाड़ी के मालिक होंगे, अच्छे घर के मालिक होंगे, अच्छी संतान से युक्त होंगे, अच्छी पत्नी, अच्छी प्रेमिका, अच्छी पति, अच्छा दोस्त, सब कुछ आपके पास होगा। तो जीवन का हर सुख शुक्र आपको देने वाले हैं, क्योंकि तीसरा शुभ संकेत, शुक्र जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में अंधेरा नहीं होगा, सिर्फ रोशनी होगी, जहां रोशनी है वहां पर धन है, संपदा है, सुख है, खुशियां हैं, तो अब आपके जीवन में हर प्रकार की छोटी बड़ी खुशी शुक्र लेकर आ रहे हैं, खुशियां मनानी शुरू कर दीजिए। बात करेंगे चौथे महाशुभ संकेत की, आपको चौथा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा जब शनि सप्तम भाव में षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, शनि देव यानी रातों रात किस्मत पलटने का दम सिर्फ शनि देव में है, अक्टूबर महीने में शनि देव मार्गी भी हो जाएंगे, 11 अक्टूबर को शनि देव आपको प्रसन्न और ऐसी खुश प्रसन्न कर देंगे, आपको शनि देव आपसे प्रसन्न है और शनि देव आपको भी प्रसन्न कर देंगे, दिल खुश कर देंगे आपका, आप मेहनती होंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, किसी की मेहनत किसी का हक नहीं मारेंगे, ईमानदारी से आगे चलेंगे, भ्रमणशील होंगे, घूम घूम कर पैसा कमाएंगे, यात्राओं से लाभ होगा, शनि देव का शश योग आपके लिए सुंदर रेड कारपेट का निर्माण कर रहा है, यानी कि जैसे कहते हैं ना, आप चलते जाइए और आपके आगे फूल और सफलताएं बरसती चली जाएंगी, आपको ऐसे ही सफलताएं मिलती चली जाएंगी, प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना आपकी आदत हो जाएगा, राजनीति में बड़ा पद पाने का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सरकारी कर्मचारी हैं तो सफलता मिलेगी, अपने काम में आगे पदोन्नति हो सकती है, राजनीति में कोई बड़ा पद पा सकते हैं और आपका व्यापार भी बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा हो सकता है, एक से दो नहीं 106 होने की संभावनाएं हैं, यानी एक दुकान थी तो 6 दुकानें हो जाएंगी, 6 गुना आपको सफलता मिलेगी, धन संपदा समृद्धि प्रसिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाएगी, शासन प्रशासन में नाम होगा, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, चाहे
शनि से संबंधित काम हो या बुध से संबंधित काम हो या शुक्र से संबंधित काम हो, सफलता तय है, तय है, तय है। अब आपके पास नौकरी नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको मौके नहीं दिए। ये संकेत बताता है कि आपके पास मौके खुद चल कर आएंगे। अब आपको भी थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो शानदार रिजल्ट आपके जीवन में ला रहे हैं शनिदेव। अब ये मत कहिएगा कि शनि ने नहीं दिया, अब तो सारे ग्रह आपके ऊपर मेहरबान है इस महीने। पांचवा शुभ संकेत जो आपको मिलेगा वो मिलेगा गज केसरी योग, जब बनेगा चंद्रमा और गुरु का योग होगा सप्तम भाव में। यशस्वी होंगे, धनवान होंगे, अच्छे व्यापारी होंगे, अच्छा घर परिवार चलाने वाले होंगे, घर में धन संपदा होगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी झेलने को नहीं मिलेगी। हाथी के समान आप मस्त होंगे और शेर के समान बलशाली होंगे। आप आकाश में, धरती में, पानी में, हर जगह पर जहां कहीं भी हो आपको सफलता मिलेगी। आपके दोनों हाथों की लकीरों में अब सफलता नाम का शब्द कर्क राशि वालों के लिए भगवान ने अक्टूबर में लिख दिया है। ऐसे आंखें खोलिए, देखिए, अब सफलता आपकी है क्योंकि इस सफलता के मालिक आपको बनना है। और थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता ना मिले तो आप जो कहेंगे सो हम करने को तैयार है, लेकिन आपकी मेहनत, सही मेहनत, सही दिशा में प्रयास और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया होना इस बात की गारंटी है कि आप सफल होने वाले हैं। और अक्टूबर के माह में ऐसे सफल होंगे जैसे चमकता हुआ सितारा हो। अब आपकी किस्मत का बुलंद सितारा चमकने वाला है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि अक्टूबर आपके जीवन में जी भर के खुशियां भर देगा हर एक क्षेत्र में। अब कोई बात अगर मैं बोलना भूल गया हूँ किसी अन्य क्षेत्र की बात, चाहे महिलाओं से जुड़ी हो या पुरुषों से जुड़ी हुई हो, बस आप जहाँ हैं, आप जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह पर आपको सफलता मिलेगी। बस आपको दो कदम आगे बढ़ना है सफलता के लिए। सफलता 8 कदम आपकी तरफ चलेगी और आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप जहाँ जिस देश में हैं, विदेश में हैं, इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं या फिर मुंबई में हैं या फिर कर्नाटक में है, सफलता आपकी तय 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 है। 100% सब कुछ आपको मिलेगा। ये संकेत ईश्वर के द्वारा बनाए गए संकेत हैं और ईश्वर की बनाई गई चीज कभी भी फेल नहीं होती है। तो जश्न मनाइए। नमस्कार।